there you go. Suresh, back to you. Thank you, Srihari. सरिता जी आप लाइन पे हो? जी जी जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल जी. थैंक यू. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द शो. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टू योर कम्युनिटी रेडियो एनआरआई समय. टुडे वी हैव अ मिनिस्टर, समवन हु वन द माइंड ऑफ स्टील अवार्ड व्हिच वाज कॉन्फर्ड बाय द गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी नेशनल अवार्ड 2010. इन अदर वर्ड्स, this award was given to honor the sheer determination, willpower, and a never say never attitude. What's also special about this person is she's just maybe I shouldn't be disclosing a woman's age, so let me just say she's too young for this award. Friends, please welcome Sarita Dwivedi. Sarita ji, hamare sare sunne wale ki taraf se show mein aapka bahut bahut swagat hai. Thank you. और हमारे स्टूडियो मैनेजर बता रहे थे कि बस 5 मिनट पहले कि आपको कोई एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे थे इस हफ्ते में, कुछ एग्जाम था आपको? हाँ, मेरे कॉलेज में सेशनल चल रहा है, सेशनल एग्जाम. अच्छा, कैसे हुआ आपका एग्जाम? अच्छे गए हैं. टोटल 14 एग्जाम होते हैं. अच्छा, जिसमें से 7 हो चुके हैं, बाकी अच्छा, है 7. अच्छा. अच्छा, तो अभी अब मंडे से फिर शुरू एग्जाम आपके? नहीं, इवन आज भी एग्जाम था. संडे की छुट्टी नहीं थी. हाँ, रेगुलर है. अरे यार, हम जब पढ़ते थे तो कुछ एग्जाम तो मंडे ट्यूसडे को होते थे, कभी शनिवार के दिन, तो कभी हमने एग्जाम नहीं दिया. नहीं, हमारे यहाँ रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं कंटिन्यूसली. अच्छा अच्छा, आई एम डूइंग बीएसए तो. अच्छा अच्छा. हमने पढ़ा था कि आपको जब आपको ये अवार्ड मिला था, आपको अवार्ड से ज्यादा खुशी इस बात से थी कि वो अवार्ड अब्दुल कलाम जी के हाथों मिला. हाँ, एक्चुअली सब कुछ थोड़ा सा सपना टाइप लग रहा था, बिकॉज जो बालश्री का प्रोसेस होता है, आई होप यू नो अबाउट बालश्री. नो, बताइए. तो उसमें होता क्या है कि नेशनल बालवन दिल्ली में और पूरी इंडिया में उसके ब्रांचेस है, तो सारे बच्चे पहले जोनल लेवल में कंपटीशन देते हैं अपने अपने बाल भवन में, फिर रीजनल इकट्ठा होता है, 5-5 का मतलब ग्रुप बनता है, तो रीजनल देते, फिर नेशनल लेवल देते दिल्ली राष्ट्रीय बाल भवन जाके, फिर अगर वहां सिलेक्ट होते हैं तो फिर राष्ट्रपति भवन ले जाके अवार्ड दिलवाया जाता है, बालश्री उसे कहते हैं. तो मतलब हजारों बच्चों में से 100 की काउंटिंग में आना, फिर 100 से 22 की काउंटिंग में आना थोड़ा सा टफ हो गया था. बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, इवन इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं. मैंने कंपटीशन के दौरान देखा था. अच्छा. इतने क्रिएटिव बच्चे और इतने मतलब बहुत अच्छा वर्क था, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. अच्छा. तो सडनली जब पता चला कि हो गया, बालश्री मिल रहा है, देन आई वाज जस्ट सरप्राइज कि आह मिल रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और क्या कहा अब्दुल कलाम जी ने, क्या कहा जब आप उनसे उनके हाथों अवार्ड ली थी? उन्होंने पूछा था कि फ्यूचर में क्या करोगी. अच्छा. तो मैंने वही बोला था कि जो मैं सीख रही हूँ वही सिखाऊंगी, और ऐसे बच्चों को सिखाऊंगी जो सक्षम नहीं है सीखने, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अच्छी फैसिलिटीज ना होने के कारण बच्चे की जो प्रतिभा होती नहीं आगे बढ़ पाती है. जी जी. तो ऐसे बच्चों को सिखाना चाहूंगी जो चाहते हैं सीखना. जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब तो आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अच्छा लगता होगा प्रेसिडेंट के हाथों आपने अवार्ड ली, और अब आपने सब दोस्तों के बीच और फैमिली के बीच आप एक हीरो बन गए. नहीं, फैमिली के बीच तो नॉर्मल ही है, काफी नॉर्मल ट्रीट करते हैं. इवन यू नो अबाउट माई सेल्फ की थोड़ा सा स्पेशल है, बट फिर भी बहुत नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना, सब कुछ बहुत नॉर्मली रखना, तो नॉर्मल है सब कुछ, अच्छा है. जी जी. तो आपके दोस्तों के बीच कैसा रहा जब आपने अवार्ड जीता था? क्योंकि मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की एक बार अब्दुल कलाम जी से बस बात करने के लिए, लेकिन कभी हुआ नहीं. और आप जो है, आप जस्ट इतनी छोटी है, आप इतनी छोटी उम्र में आप उनसे मिल भी चुकी हैं, हाथ भी मिला चुकी हैं, तो कैसा मतलब आपके दोस्तों ने कैसा रिएक्ट किया इस अवार्ड के बाद, और आपके टीचर्स या फिर कॉलेज में कैसा था? सब कुछ काफी अच्छा था, मतलब सब लोग थोड़ा सरप्राइज थे कि ओह, बिकॉज जो
बार्षी का था, उसमें इलाहाबाद से मैं अकेली थी, मतलब हम लोग गए थे, 7 बच्चे गए थे, बट सिलेक्शन अकेले मेरा हुआ था, तो अच्छा थोड़ा सा सरप्राइज थे, काफी खुश थे सब लोग। मेरा पहला नेशनल था बार्षी 2006 में, अच्छा तो सब लोग बहुत सरप्राइज थे, मैं खुद इतना शॉक थी, इवन राष्ट्रपति भवन में बैठी थी तब भी थोड़ा सा लग रहा था कि सच है कि सपना टाइप है। अच्छा, तो कैसा आप राष्ट्रपति भवन में थी इस अवार्ड के लिए, मतलब? हाँ, राष्ट्रपति भवन में थी, राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में, वहीं पे अवार्ड सेरेमनी हुई थी। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया। और आपको आपको आपके मतलब पेंटिंग को भी बहुत सराहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपको कब इस बात का एहसास हुआ कि आपके अपने मतलब पैरों से इतनी अच्छी पेंटिंग आप कर पाएगी या आप कर सकती हैं? आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? एक्चुअली इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जब मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका था, तो मम्मी सिखाती थी, बिकॉज नया नया था, पैर से सब कुछ करना सीख रही थी। अच्छा, तो मुझे कलर्स काफी पसंद थे, तो मम्मी क्या करती थी, स्केचपेन से लिखना लिखना सिखाती थी पैर से। अच्छा, तो उसी टाइम से थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब स्कूल जाना शुरू की, तो स्कूल में भी जो नॉर्मल बच्चों को सिखाया जाता था प्रेप स्कूल वगैरह में, ये ड्राइंग वो ड्राइंग वगैरह वगैरह, तो उन सब में था, तो उसमें काफी ठीक ठाक कर लेते थे, तो टीचर्स भी काफी अप्रिशिएट करते थे। फिर स्कूल गई तो वहाँ पे भी काफी अप्रिशिएशन मिली, देन स्कूल लेवल में काफी सपोर्ट मिला। इवन मेरी एक मैम थी, जब मैं इलाहाबाद आ गई, तो मेरी जो ड्राइंग टीचर थी मिसेस इंदु पांडे मैम, उनका भी काफी सपोर्ट रहा, काफी सिखाया उन्होंने। फिर जब बालश्री मिल गया 2005 में, अच्छा, तो उसके बाद कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, फिर लगा कि हाँ बस यही है, इसी को करना है। तो आपकी उम्र मतलब कितनी होगी उस वक्त जब आपने अपना पहला कुछ पेंटिंग बनाया था, मतलब 6-7 साल की होगी या फिर उससे और भी ज्यादा उम्र? मेरी पेंटिंग, पहली पेंटिंग, हाँ एक्चुअली मैंने पहली पेंटिंग जब मैं नर्सरी में थी तब की थी, मैंने झंडे की थी, मतलब जो इंडियन फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग होता है ना झंडा, उसका किया था। तो आई थिंक तब मेरी उम्र होगी भाई 7-8 ऐसी साल, ऐसी कुछ होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमने पढ़ा था कि आपके पापा जो हैं वो आर्मी में काम करते हैं ना? हाँ, आर्मी से रिटायर्ड है, लास्ट ईयर वो रिटायर्ड हो गए आर्मी से। अच्छा, लेकिन जब वो काम करते थे तो आपको मेरे ख्याल से उनके ट्रांसफर्स बहुत होते होंगे, तो आपको उनके साथ बहुत कुछ जगह देखने को मिली होगी, बहुत कुछ घूमने को मिला होगा। हाँ, मतलब 3-3 साल में स्कूल चेंज होना, नई जगह शिफ्ट होना। अच्छा, तो आपके तो अभी कई सारे दोस्त होंगे ना, सब सबके सब, हाँ, अभी तो काफी हैं। हाँ, तो सब सब अभी फेसबुक में है? मैक्सिमम फेसबुक में है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ाकू टाइप के हैं, तो वो फेसबुक वगैरह यूज नहीं करते। इवन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी फेसबुक में नहीं है। अच्छा, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं है, वो यूज नहीं करता। और आप जो ये पेंटिंग करते हैं, तो ज्यादातर किस चीज में आपको दिलचस्पी है, मतलब किस तरीके की पेंटिंग आप करना पसंद करते हैं? मेरा जो फेवरेट मीडियम है पोस्टर कलर है, एंड स्पेशली मुझे मधुबनी पसंद है। मधुबनी क्या है, मतलब बताएंगे आप? ट्रेडिशनल आर्ट है। अच्छा, ट्रेडिशनल आर्ट है। तो ये आप मतलब नेचर के बारे में कुछ होता है या फिर लोगों के बारे में कुछ होता है, मतलब कैसा ट्रेडिशनल आर्ट किस किस चीज में होती है? मधुबनी एक प्लेस है बिहार, हाँ बहुत फेमस है मधुबनी आर्ट, तो वहीं से उठ के आई। एक आर्ट फॉर्म है जिसमें बेस में गोबर लगाते हैं, जो गाय का गोबर होता है वो, फिर उसी पे या तो नेचुरल कलर यानी कि लीफ वगैरह का कलर निकाल के, फ्लावर्स का कलर निकाल के, बबूल की गम में मिला के यूज करते हैं। और अगर कोई अभी नया नया सीख रहा है, प्रैक्टिस पे है, तो इंक से कर सकते हैं, तो अभी तो मैं इंक से कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने कुछ जब आपके माता पिता को लगा और आपके टीचर्स को लगा कि हाँ इस बच्ची में दम है, इस बच्ची में कुछ ऐसा टैलेंट है जो इसको बढ़ावा देने पे और भी अच्छा होगा, तो आपने
कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह ली इस चीज में, या फिर अपने अपने खुद मतलब सीखे हुए अपने आप का टैलेंट जो है उसको मतलब प्रैक्टिस के साथ ही आपने बढ़ावा दिया? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, जो स्कूल में मैम सिखाती थी नॉर्मली सारे बच्चों को वैसे ही था। अच्छा। और जब बालश्री का टाइम था तो हमारे इधर पे एक नेशनल मतलब सॉरी जवाहर बाल भवन है इलाहाबाद में, तो वहां जाके थोड़ा बहुत सीखा था। अच्छा। और हमारा जो डिपार्टमेंट था वहाँ के कुछ स्टूडेंट से पहले भी फ्रेंडशिप थी, तो वो लोग भी गाइड करते रहते थे कि ऐसा नहीं ऐसे करो तो अच्छा होगा। तो आपको ज्यादातर मतलब अपने स्कूल में, घर पे और अभी कॉलेज में अच्छा प्रोत्साहन मिला? आपने जब भी कोई चीज करनी चाहिए, आपके जो हुनर हो उसको कहीं अच्छी तरीके से प्रोत्साहन मिला, और आपके पास फैसिलिटीज भी थे आपको इस चीज में मदद करने के लिए? फैसिलिटीज घर का सपोर्ट काफी था, बिकॉज किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने में फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी, तो कहीं पे भी जाना भाई लेके जाता था अच्छा। और घर वाले ही पूरा सपोर्ट करते थे, तो काफी अच्छा रहा। और आपने अभी जिक्र किया था कि आपको मतलब जब आप 4 साल की थी, आपके साथ ये हादसा हुआ था, आपको आपको कभी गुस्सा आता है? मतलब आप जब देखती हैं अपने दोस्तों को खेलते हुए, या फिर वो कुछ चीज ऐसा करते हैं जो आप नहीं कर पाती हो, तो आपको गुस्सा आता है कि ये आप ही के साथ क्यों हुआ, या फिर कि क्यों क्यों ऐसा होना था? आप तो 4 साल की बच्ची थी, आपने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये हादसा आपके साथ हुआ। वैसे गुस्सा तो नहीं आता है, अच्छा। बट थोड़ा सा ये लगता है कि उसका रीजन मुझे मालूम होना चाहिए कि उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली। अच्छा। तो उस चीज को पता करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या था। बाकी गुस्सा जैसा कुछ नहीं, बिकॉज जो काम सब लोग हाथ से करते हैं मैं पैर से करने लगी हूँ, बहुत इजी वे में जी सब कुछ हो जाता है। जी तो टोटल मेरे सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, मतलब खाना खाना मतलब सभी काम, जी 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 तो आदत हो गई है, तो गुस्सा जैसा कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब शायद इसीलिए आपको ये जो अवार्ड मिला है, माइंड ऑफ स्टील अवार्ड, इसीलिए दिया गया है आपको, क्योंकि आपने हो सकता है। आपने अपने सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की, आपने उससे लड़ा और उसके जो हालात क्रिएट किया था उस सिचुएशन ने, आपको आपने उसको अपने एडवांटेज में कर लिया हाँ कुछ वैसा ही। कुछ है। तो मेरे ख्याल से आपको यह अवार्ड सही मायने में दिया गया है इसलिए। और जब आपने कहा था कि आपके पापा आर्मी में हो, तो इसी मेरे ख्याल से इसी वजह से आपको वो हिम्मत और वो जो ताकत चाहिए थी दिमाग में और जो शरीर में, मेरे ख्याल से आपके पापा के साथ आई थी वो। हाँ ये तो है। तो और आपने एक अच्छी बात कही थी कि आपको जब ये हादसा हुआ तो आपकी आपकी माँ ने आपसे पैर से सब कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने आपको सिखाया। तो उनसे आपने कभी पूछा था, जब आप बड़ी हुई है मतलब अभी, जब उनसे आपने कभी पूछा था कि उनके ऊपर क्या बीती थी? मतलब उन लोगों ने कभी हार मानी थी कि अब हमारी बच्ची अभी अभी वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी? उन्होंने कभी मतलब ऐसा सोचा था कि अब क्या होगा इस बच्ची का? एक्चुअली एक बार वो इंटरव्यू दे रही थी तब मैंने सुना था, अच्छा। सेम क्वेश्चन था। तो उन्होंने पहले तो थोड़ा सा शॉक्ड हुई थी जब इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, बिकॉज मेरा केस ऐसा था कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर कानपुर में हैलेट हॉस्पिटल है, वहां पे रखा गया 8 घंटे। देन एयरफोर्स हॉस्पिटल है आर्मी का ही, वहीं पे कानपुर में, फिर वहां एडमिट कर दिया गया। तो वहां के डॉक्टर्स ने काफी मेहनत की और ठीक ठाक बचा लिया। तो उस समय मम्मी काफी ज्यादा तकलीफ में थी, बिकॉज पापा भी श्रीनगर में थे। फिर सडनली पापा को फोन करके बुलाया गया, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो मम्मी भी अकेली थी। तो ऑब्वियसली फीमेल ऊपर से थोड़ा सा बेटी के साथ ऐसा हो तो कोई भी माँ परेशान हो जी जाएंगी। जी जी
उस समय थोड़ा सा यू नो चक्कर वगैरह भी आया होगा और तकलीफ भी हुई होगी। फिर उन्होंने एक और बच्चे को हॉस्पिटल में देखा था जो पैरालाइज था, बोल भी नहीं पाता था। अच्छा, तो उसको देख के फिर थोड़ा सा मम्मी को लगा कि जब मतलब वो एकदम तबियत की माँ कर रही है, ये तो फिर भी बोलेगी, हंसेगी, बात करेगी, तो उसको देख के थोड़ी उनको हिम्मत मिली। देन डॉक्टर्स का काफी सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे करके सिखाओ, तो मम्मी फिर वही शुरू कर दी। फिर सारी चीजें पैर से करना सिखाया, जो जो सब लोग हाथ से करते थे मेरे भाई बहन, हाँ, मम्मी ने हाथ मतलब पैर से करना सिखा दिया, तो सब कुछ बहुत नॉर्मल में हो गया। अच्छा अच्छा, सही है। मतलब मैं आपको जब भी लगे कि ये सवाल आपको नहीं, मुझे नहीं पूछना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, भेजिएगा। I don't think कि सवाल ऐसा कोई होता है जो लगे कि नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज सवाल तब उठते हैं जब जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा गलत नहीं होती है, मेरे ख्याल से सवाल गलत नहीं होते। सही है, आप तो बड़े ऊंचे हुए इंसान लगते हैं मुझे, काफी कुछ आपने देख लिया इस 20 साल में, आपने कहीं कुछ बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया आपने। नहीं, थोड़ा सा बाहर घूमने की आदत है ना, थोड़ी सी, तो देखते देखते हो गई आदत। नहीं, आपने जो बात कही वो एकदम बढ़िया थी, मतलब काफी बहुत सारे लोग हम मिलते हैं अपने आम जिंदगी में, बस ये रवैया नहीं होती है कि ये जो सवाल हम पूछते हैं, या फिर उनको नहीं लगता कि ये आदमी इसलिए पूछ रहा है कि जेन्युइनली इसकी इस चीज के बारे में जानना चाहता है, बस इसी में लगे रहते हैं कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है मुझे। वो सब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि आप कितना समझ रहे हो सामने वाले को। सरिता जी, हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, श्रीकांत, यू कैन गो अहेड सर। श्रीकांत, आर यू देयर? हेलो श्रीकांत, ओके, लगता है उनका कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो हम इंतजार करते हैं उनका फिर दोबारा कनेक्शन के लिए। जी जी, तो और अब आप सॉरी, मैं आप बता रहे थे कि आप किस चीज में आप अभी डिग्री कर रहे हैं? मैं बीएसए कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर रही है। अच्छा, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है, मतलब आगे इसके बाद में आपको फर्दर स्टडीज परस्यू करना है, या फिर आर्ट्स एंड साइंस में कुछ करना है, आपका क्या फ्यूचर प्लान है? नहीं, एक्चुअली मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आर्ट की फील्ड में, तो सेकेंड ईयर में पेंटिंग के साथ ट्रेडिशनल ले लूंगी, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्राफिक, टेक्सटाइल, स्कल्पचर, अप्लाइड, तो फोटोग्राफी, तो इतने सारे सब्जेक्ट में ऑप्शनल रहता है कि आपको क्या लेना है। तो ऑब्वियसली मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो मैं पेंटिंग ही लूंगी। जी जी, देन उसी से मतलब रेगुलर स्टडी रखूंगी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, देन आफ्टर एमएफए कर लूंगी पेंटिंग से ही। अच्छा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अच्छा अच्छा, तो उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप एमएफए भी कर पाएंगी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ पे एमएफए ओपन हो जाता है, अच्छा, तो मैं यहीं से करूंगी, बाकी अगर नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो फिर मैं कॉलेज चेंज करूंगी। अच्छा अच्छा, ये जो आपने एक और बात कही थी हमारी ये जो इंटरव्यू के दौरान, कि अगर फैसिलिटीज सही है, तो बच्चे जो है उनका टैलेंट को प्रोत्साहन देने के लिए काफी हद तक मदद करती है, फैसिलिटीज हो या प्रोत्साहन हो, तो आपने मतलब अपने अपने निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ देखा है, और आपको लगता है कि जो अभी के जो फैसिलिटीज हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में हो, या फिर दफ्तर में हो, या फिर हॉस्पिटल्स में हो, आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमें बहुत कुछ और इस फील्ड में करना चाहिए? मैं खास तरीके से इनके लिए पूछ रहा हूँ, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनको ज्यादातर देखा जाए तो माँ बाप भी बहुत डिप्रेस होते हैं कि उनका बच्चा ऐसा क्यों है, या फिर उनको
फैसिलिटीज नहीं है ठीक तरह से और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है उनको, अगर वो किसी भी तरह पढ़ भी लें फिर उसके बाद भी बहुत दिक्कत होती है उनको। मेरे ख्याल से अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कहीं पे भी खड़े रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन पहले मुझे एक लड़का मिला था मेरी कॉलेज में, उसने मुझसे कहा कि मेरी भी सिस्टर है, वो सुन और बोल नहीं सकती है। मैंने उसको एंट्रेंस दिलाया था BHU का, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी है ना, वहां से वो BFA कराने के लिए उसको बोला था। तो उसने अच्छा खासा एंट्रेंस भी निकाल लिया, बट वो वहां इसलिए नहीं रही, उसको वापस इसलिए ले आए क्योंकि उन लोगों को लगता था कि वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो वही मैंने उसको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप अगर उसको अकेले छोड़ोगे तो वो अपने आप सब कुछ सीख जाएगी, आप बार बार अगर उसके बगल में चलते रहोगे तो उसको कुछ नया मिलने वाला है नहीं, और जब तक कुछ नया मिलेगा नहीं तो सीखेगी क्या। और दूसरी चीज, मेरे ख्याल से आज के बच्चे इतने केयरिंग है, इतने स्वीट है कि सपोर्ट करते हैं। बिकॉज मैं भी इलाहाबाद से गई थी बनारस, अपनी फ्रेंड के पास गई थी, तो काफी अच्छी लड़की है, इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। 3 दिन में उसी के साथ अकेले वहां रही थी, घर से गई थी फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, वहां पे भी वो ऐसी सेम कंडीशन वाली बच्ची थी, तो सब सपोर्ट करते थे उसको, मतलब उसकी बातें समझने लगे थे धीरे धीरे। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप खुद चाहते हो कहीं पे खड़े रहना तो आप हो सकते हो। रही बात फैसिलिटीज की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर प्रॉब्लम होती तो आप अपने टीचर्स को बताओ, HOD को बताओ, डायरेक्टली बात करो, खुल के बात करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बताई नहीं जाएगी तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। जी जी जी, लगता है श्रीकांत वापस स्टूडियो में है। श्रीकांत, यू आर ऑन द स्टूडियो। या हेलो सरिता जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरिता जी, मेरा नाम श्रीकांत है, मैं लॉस एंजेलिस से बात कर रहा हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि आपका कोई वेबसाइट है जहाँ पे NRIs जाके आपका पेंटिंग्स खरीद सके? सरिता जी, अभी तो कोई वेबसाइट नहीं है, एक्चुअली मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो पेंटिंग का सेलिंग का भी मैं नहीं सोच रही हूँ, तो ऐसी कोई वेबसाइट अभी तो नहीं है, फ्यूचर में शायद होगी। बाकी मैं एग्जीबिशन करने का सोच रही हूँ इलाहाबाद में, तो वो मैं फेसबुक में अपडेट कर दूंगी और आपके ग्रुप में लिंक पे भी कर दूंगी, या इंद्रेश्वरी जी को कर दूंगी तो बेटर रहेगा। आपका कोई पेंटिंग्स है जो हम फेसबुक में या कहीं ऑनलाइन में जाके देख सकते हैं सरिता जी? हाँ जी, मेरी प्रोफाइल है फेसबुक में, सरिता द्विवेदी के नाम से, एंड ईमेल आईडी है saritadwivedi.painting@gmail.com, तो उसमें मेरी पेंटिंग पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी, थैंक यू श्रीकांत। तो सरिता जी, तो आपका फेवरेट पेंटिंग कौन सा है? अब तक आपने जितने भी पेंटिंग्स किए हैं, आपका कोई फेवरेट पेंटिंग है? मेरी फेवरेट पेंटिंग एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी अपनी मम्मी को मदर्स डे पे। अच्छा, बहुत दिन से मेरी मम्मी चाह रही थी कि मैं एक राधा कृष्ण बनाऊं मधुबनी में। अच्छा अच्छा, तो मैंने A1 साइज की उनको बना के गिफ्ट की थी, तो वो काफी खुश हुई थी उसको देख के, तो उनकी खुशी बहुत बढ़ गई मेरे लिए, तो वो मेरी फेवरेट पेंटिंग है। बहुत बढ़िया। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये जो फैसिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हाँ एक बात तो है कि ये इंडिविजुअल पे निर्भर करता है, फैमिली पे और भी बहुत निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों को किसी और से कम ना समझे और उनको भी वैसा ही मौके दे और वैसा ही उनको प्रोत्साहन दे जो वो आम बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि नॉर्मल बच्चा भी अगर पेरेंट्स उम्मीद करते हैं नॉर्मल बच्चे से भी, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता है जी। तो स्पेशल बच्चे पे भी आप अगर उम्मीद करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी खरा उतरेगा जी जी, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, ना कि स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा जी। तो वही चीज है, मतलब आप जितना भरोसा दिलाएंगे अपने बच्चे को या जितना एक्सपेक्ट करेंगे वो ऑब्वियसली उतना ही आपको रिजल्ट देगा जी। तो वही चीज है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा जब चलना सीखता है 2 साल का बच्चा,
तो खूब बार गिरता है, मतलब कई बार गिरता है गिरता है गिरता है, तो उसके गिरने के डर से कोई पकड़ने थोड़ी ना लगेगा उसको, या गोद पे लेके घूमना नहीं शुरू कर देगा, उसको मौके देगा बार बार चलने के जी, ना तो एक बार ठोकर पड़ेगी, दो बार पड़ेगी, तीसरी बार में तो चलेगा ही जी। तो वही है ना, अगर एक बार प्रॉब्लम आएगी, दो बार आएगी, तीसरी बार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो सेम पर्सन ही निकालेगा जिसको प्रॉब्लम आएगी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि आपको यू नो आपका आपका ये जो मतलब नजरिया है, आपका ये जो चीज को देखने की और परखने की जो आपको ये आपका ये, मुझे लगता है ये आपकी टैलेंट है ये भी पेंटिंग के सिवा। आई थिंक आप इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आप बता रही हैं कि जो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं वो भी मतलब ऐसा ही नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, और मुझे भी पूरा यकीन है वो जी पाएंगे। फिर भी कहीं कहीं ऐसे मैंने मतलब पेरेंट्स से बात की, और ऐसे कई मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा था लिखा था, जहाँ बच्चों को ठीक तरह से देखा नहीं जाता, या फिर उनको फिजिकली चैलेंज होने के लिए माँ बाप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो आई थिंक उन लोगों को आपसे सुनना चाहिए, आपकी नजरिया को वो लोग पहचाने और समझे, ये बहुत जरूरी है। तो हाँ, मेरी नजर में जितना आता मैं तो समझाती हूँ, कोशिश तो करती हूँ जी। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, और इसमें आपको मतलब आप अगर इस चीज में गौर करेंगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आप बेनिफिट कर पाएंगे। थैंक यू जी। जरूर, आप सोचिएगा, अब आप एग्जाम्स दे रही हैं, जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आप आराम से बैठ के चाय पी के आप सोचिएगा इस चीज के बारे में जरूर। हाँ, मतलब मैंने सोचा हुआ है, बट फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि मतलब हर चीज की एक उम्र होती है। मुझे नहीं लगता कि आप उम्र में छोटी होने के कारण किसी चीज में आप किसी से भी छोटी हो। काफी लोग ऐसा कहते हैं जी, सही है, मतलब अपने अवार्ड भी जीता है तो मेरे ख्याल से सभी लोग सही कहते हैं, तो आपको सही लेना चाहिए। सोचूंगी इस बारे में जी जरूर। तो और आप कैसा, मतलब आपका नॉर्मल दिन कैसा होता है, आप हमारे लिसनर्स को बता पाएंगे कि आप मतलब कैसे स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, या आप कैसे मतलब पूरे दिन की जो ये भागदौड़ है, बसों में जाना, ट्रेन में जाना, या फिर यहाँ से वहाँ जाना, कैसा मतलब आपका नॉर्मल डे कैसा होता है? नॉर्मल डे वैसे तो रोज का एक ही जैसा होता है, मुझे सुबह उठना, तैयार होना, मम्मी तैयार करके देती हैं, बिकॉज मेरा जो पैर लगाना होता है आर्टिफिशियल लेग लगाना। अच्छा अच्छा। और ड्रेसिंग और पोनी करना, ये तीन काम मेरी मम्मी करती है, बाकी मेरे सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो मम्मी तैयार कर देती हैं, भाई बाइक से कॉलेज छोड़ देता है। अच्छा अच्छा। कॉलेज छोड़ के वो वापिस चला आता है, कॉलेज में काफी फ्रेंड्स हैं, सीनियर हैं मेरे, एचओडी काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिंग है, अजय जेटली सर, तो काफी नॉर्मल ट्रीट करते हैं, इवन कॉलेज पे भी कोई स्पेशल मतलब यू नो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल बच्चे की तरह। अच्छा लगता है कॉलेज में काम करने में। तो सुबह से मतलब 10 से 4 वहीं पे रहते हैं कॉलेज में, 4 बजे फिर से भाई लेने आ जाता है, बाइक से घर चले आते हैं। बाकी अगर कॉलेज का कुछ सामान खरीदना होता है तो भाई के साथ मार्केट चले जाते हैं। तो नॉर्मली ऐसा जाता है, फिर घर आके थोड़ी देर मतलब चाय नाश्ता करना, यहाँ वहाँ करना, फिर काम करना, फिर फेसबुक अपडेट कर देना, देख लेना कि किसका क्या पड़ा हुआ है। ज्यादा चैटिंग मुझे पसंद नहीं है फेसबुक पे, बट हाँ अपडेट चेक कर लेती हूँ, मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस नॉर्मल डे यही रहता है। अच्छा, और मस्ती वस्ती खूब करते हैं, फिल्म विलम देखते हो? मूवी देखने का ज्यादा शौक नहीं है, न्यूज मतलब सुनती रहती हूँ, नेशनल ज्योग्राफी काफी पसंद है चैनल, उसमें भी देखती रहती हूँ, साथ में आस्था चैनल काफी पसंद है। मूवी में मुझे जो धार्मिक मूवीज होती है ना,
वो पसंद है। जैसे जैसे एक बार आई थी जयमा संतोषी, या जैसे नहीं होती किसी भगवान से रिलेटेड कोई मूवी, अच्छा, लेकिन वैसी आजकल मूवीज भगवान वो के मुझे ऊपर काफी मूवी इंटरेस्टिंग का, लगती है। लेकिन आजकल भगवान के ऊपर कहाँ बन रहे हैं मूवीज? नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि जो साउथ इंडियन डबिंग होती है वो हिंदी डबिंग कर देते हैं साउथ इंडियन हाँ, मूवीज को, हाँ, तो वो मूवीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है तो वो देख लेती हूँ। अच्छा, बढ़िया। साउथ में काफी मूवीज बनती है भगवान के ऊपर। हाँ, पता नहीं, मैं भी उतना मूवीज देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता बनती है, कि, टीवी में देते हैं, स्टार गोल्ड में देते अच्छा, मुझे काफी साल हो गए हैं भगवान का एक कोई फिल्म देखे। देखिएगा अच्छा लगता है। और जी, जरूर जरूर। और तो आपके पापा बता रहे थे कि आपके 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 पापा रिटायर हो गए हैं ना अभी? हाँ पापा रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो आपने अपने इन आपके पापा कितने साल आर्मी में थे? 20-30 साल थे? 20-30 नहीं 26 साल थे। 26 साल। अच्छा, तो इन 26 सालों में आपने किन किन मतलब जगह, मतलब किन किन स्टेट्स पे आपको ट्रांसफर आपके पापा को जाना था और आप भी गई उनके साथ? ऐसा कभी हुआ कि वो गए खुद और आप और आपकी जो मदर है या फिर आपके भाई बहन सब पीछे रह गया हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। जब मैं नॉर्मल थी 4 साल की, 3.5 साल की, तो हम लोग अम्बाला में थे, फिर अच्छा, वहां से पापा की कोचिंग श्रीनगर हो गई तो हम लोग घर आ गए थे, तो हाँ, उसी टाइम मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, मतलब अच्छा, 1995 में, 10 अगस्त 1995। फिर पापा फिर श्रीनगर से तुरंत आ गए, फिर ट्रांसफर करा वहां से उनके मतलब कानपुर हो गए जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर हम लोग 6 साल कानपुर में रहे, वहीं से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, अच्छा, कार्मी मतलब कानपुर में ही आर्मी कॉलोनी थी, सीओडी करके, वहीं पे रहते थे। तो अच्छा, 6 साल कानपुर में बीता, उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया नागपुर के आगे पुलगांव करके एक प्लेस है, वहां पे रहे 3 साल। फिर इलाहाबाद आ गए 3 साल के बाद, मतलब 2003 में इलाहाबाद आ गए थे हम लोग। फिर इलाहाबाद में भी अलग अलग आर्मी की यूनिट्स हैं, तो यहीं पे पापा का भी ट्रांसफर लोकल पे ही होता रहा, मतलब लग इतना अच्छा रहा कि यहीं पे ट्रांसफर होता रहा, तो यहीं पे 8 साल से है। और आप बता रहे थे कि आप एक पैर पे आर्टिफिशियल लेग इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ एक पे कैलिपर है, एक पे आर्टिफिशियल लेग है, मतलब मेरा एक जो राइट लेग है वो आधा नहीं है और जो लेफ्ट वाला है वो काफी वीक है, पर मेरे सारे काम उसी से करती हूँ मैं, लेफ्ट अच्छा से। अच्छा अच्छा तो आपके हाथों में आपने कभी मतलब कोशिश नहीं की आर्टिफिशियल ये जो हैंड्स का इस्तेमाल करने के लिए? किया था पुणे में एक हॉस्पिटल था, ऐसे कुछ हॉस्पिटल है अच्छा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहां से हाथ लगवाए थे बट वो काम नहीं करते थे बिकॉज मेरे जो हाथ है वो शोल्डर से नहीं है दोनों, जी, तो वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करते थे, तो अच्छा, मतलब जरूरत भी नहीं पड़ी फिर, मतलब हमको ज्यादा भारी भी लगता था शरीर पे, तो बस तो ये पैर लगा हुआ है। जो जो आर्टिफिशियल लेग्स यूज इस्तेमाल करते हैं वो हैवी नहीं है, वो मतलब लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ है? हाँ लाइट मतलब फैब्रिक का है, लाइट है काफी। अच्छा, तो हाथों में जो आपने ट्राई किया था वो काफी काफी मतलब हैवी थे? हाँ मतलब होता क्या है कि जो पूना का जो बनता था लिम्स, तो वो बहुत हैवी रहते थे। देन मतलब मेरे एक अंकल थे मतलब कनाटी के चैटर्जी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कानपुर से करवा लो, एलिम्को सेंटर से, अच्छा तो मैंने वहां विजिट किया तो मतलब हमको ठीक ही ठाक लगा, तो फिर हमने वहीं से ले लिया, जी, तो वो काफी ठीक पड़ा था, मतलब अच्छा, हमारी एक, कितना 2 साल में नॉर्मली मेरी हाइट बढ़ जाती है, फिर उसको चेंज करना पड़ जाता है। अच्छा, तो आप अब ये जो आर्टिफिशियल लेग्स इस्तेमाल करते हैं इनका
आपको मतलब डॉक्टर विजिट करना पड़ता है कि देखने के लिए कि ये सब ठीक ठाक है, या फिर एक बार आपने लगा लिया बस लगा लिया, इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे 1997 के बाद डॉक्टर की इतनी जरूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सारी सर्जरी कंप्लीट, ऑपरेशंस कंप्लीट, अच्छा, तो जरूरत नहीं पड़ी। और मैं थोड़ी सी क्या बताऊं, एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अगर मुझे पैर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती, तो खुद ही से मैनेज हो जाता है। फिर मैं लग लगवाने गई थी तो मैं डॉक्टर को सजेस्ट कर रही थी कि यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तो क्या कहा डॉक्टर ने? एक मतलब उनके जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, तो जो सीनियर थे कहते नहीं उसको मालूम है, वो सही कह रही है। बढ़िया है। तभी तभी मैं आपको बता रहा था कि आपने अपने जिंदगी से इतना कुछ सीखा है कि आप इस चीज को आप पढ़ाना चाहिए आप। अच्छा जरूर। हाँ, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बहुत फिलोसफी मारती हो। हाँ, बहुत बहुत फिलॉसफी है। अभी आधे घंटे के दौरान आपने मुझे 10 ऐसी लाइनें बताई जो मैं किसी और को फिलॉसफी के तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा मैं बता सकता हूँ कोट फ्रॉम सरिता द्विवेदी, और आपकी जो फिलॉसफी की लाइनें हैं उनको इस्तेमाल कर लूंगा। एक हमारी अर्चना राघवन है न्यू जर्सी से, उनका एक प्रश्न है आपके लिए सरिता जी। जी ये पूछ रही है कि आपने पेंटिंग ही क्यों चुना? आपको कभी लगा नहीं कि आप पेंटिंग के सिवा कुछ और करना चाहेंगी, या फिर कुछ और आपको सीखना चाहिए? कुछ ऐसा दिलचस्पी नहीं था आपको? ऐसा नहीं है, मेरी काफी हॉबीज हैं, जिनमें से पेंटिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा हॉबीज में है, मुझे मेहंदी लगाना काफी पसंद है दूसरों को, अच्छा मेहंदी डिजाइनिंग मुझे आती है, ज्वेलरी बनाना मुझे आता है, कपड़े डिजाइन मैं अपने खुद ही करती हूँ। अच्छा अगर आप लोग चाहो तो फेसबुक पे विजिट करिएगा। जरूर जितने जरूर। कपड़े पहने मैंने खुद डिजाइन किए थे, मम्मी से सिलवाए। सिलाई बहुत अच्छा। का थोड़ा बहुत शौक है, तो अपनी गुड़िया के लिए मतलब डॉल के लिए हाँ। कपड़े सिलते हैं। फिर कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है, अच्छा, क्या बनाती हो आप? और मुझे कुकिंग में काफी कुछ आता है, इतना बना सकती हूँ कि खुद का पेट भर जाए, फॉर एग्जाम्पल दाल अच्छा चावल सब्जी। अच्छा और बताइए, आपकी तो बहुत लंबी चौड़ी हॉबी लिस्ट है। हाँ थोड़ी बहुत पोइट्री करती थी, अभी फिलहाल बंद कर रखा है बिकॉज दिमाग ज्यादा काम नहीं कर रहा है, एग्जाम का बहुत प्रेशर है। अच्छा और पूछिए, बाकी मुझे नई अच्छा नई चीजें सीखने का बहुत शौक है। अच्छा क्ले मॉडलिंग में करती हूँ, इवन क्ले मॉडलिंग मेरे कॉलेज के सब्जेक्ट में भी था, तो ठीक ठाक ही थी, वो भी फोटोज फेसबुक में पड़ी हैं। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल में जाइएगा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। जी, मैं देख रहा हूँ। आप इतना बता रही हैं, मुझे देखना चाहे मुझे भी देखना है कि आप सही बता रहे हैं या फिर बस ऐसे ही बता रहे हैं। जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, फेसबुक में भी पड़ा है, प्लस यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, आप लोग विजिट कर सकते हो। जी। मोस्टली अगर हमको कोई देखता है, कोई थर्ड पर्सन, तो उसके मन में यही विचार आता है कि हाँ क्या ये सही है, मतलब फेक प्रोफाइल तो नहीं है, सच्ची में ऐसी कोई लड़की होती है। मैं बस ऐसे ऐसे ही मजा कर रहा था मैं। नहीं आप मजाक कर रहे थे, बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा होता है। अच्छा। इवन मुझे भी कोई देखता है तो उनको क्या लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाती होगी, दूसरों पे हाँ डिपेंडेंट रहती होगी, लाइक हाँ ऑल। समझ सकते हाँ हैं, कोई बात नहीं। हमारे एक ऑनलाइन एक और क्वेश्चन है आपके लिए। वो खुद पूछना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ, मैं उनको ऑनलाइन स्टूडियो में लेके आता हूँ। ओके जी, श्रीहरि, योर ऑन एनआरआई समय, प्लीज गो अहेड सर। श्रीहरि, योर ऑन द कॉल, योर हेलो, या दिस इज श्रीहरि। हेलो। सरिता या गो जी, अहेड सर। मेरा एक क्वेश्चन है।
सो आप इतना एनर्जेटिक और जॉयफुल हो और टैलेंटेड भी हो आप, लेकिन जो पहले आपको मिलते हैं वो ऑल दिस दे मे नॉट नो, मे बी दे विल शो पिटीनेस. हाउ डू यू हैंडल सच मोमेंट्स? ऐसे होता क्या है कि एक ही चीज मन में आती है कि अभी उनको नहीं पता है, जब पता चल जाएगा तो उनके थॉट बदल जाएंगे, तो चलता है. मतलब वो जितना पूछते जाते हैं मैं बताते ही जाती हूँ, जब वो रहना शुरू करते हैं साथ में तो अपने आप समझ जाते हैं. ओके थैंक यू जी. यू वेलकम. मैं देख रहा हूँ आपके फेसबुक प्रोफाइल में बढ़िया पिक्चर्स बनाई है आपने, सही में आप इसका जरूर आप इसका एक जरूर एग्जीबिशन तो कम से कम होना चाहिए. एग्जीबिशन में करने का सोच रही हूँ. हाँ सेकंड ईयर में, मतलब अभी मेरा फर्स्ट ईयर है और एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो आई थिंक एक दो महीने के बाद सेकेंड ईयर आ जाएगा. अच्छा, तो सेकेंड ईयर लास्ट तक मैं अपनी एग्जीबिशन करूंगी. नवाब की एग्जीबिशन करूंगी. हाँ काफी लोग कह चुके हैं करना चाहिए. बस आप एग्जाम के बहुत ही एक नारियल फोड़ना और शुरू हो जाना इसके पीछे. हाँ आप तो लगता है आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहेंगे? अब्रॉड ट्रैवल मतलब यहाँ आपको आपने कहा था कि आपको इंडिया में आपने कई सारे जगहों को अभी तक मतलब आपने देखी है, आपने वहाँ पे लोगों से मिला है. आपको ऐसा भी लगता है कि आप अभी मतलब यूरोप हो, यूएस हो, ऐसे कंट्रीज को भी विजिट करने की आपको कोई मतलब ये भी आपका हॉबी है? हॉबी मतलब ट्रैवलिंग नॉट मोस्टली कंट्री. मुझे लोगों से मिलना काफी पसंद है, बातें करना पसंद है. तो जहाँ लोग होंगे ऑब्वियसली वहाँ जाना तो मुझे पसंद होगा ही. अच्छा तो यहाँ पे भी काफी लोग हैं यूएस में, तो आप जरूर आइएगा. हाँ बिल्कुल आपका आपका यहाँ पर भी हम एग्जीबिशन रखेंगे जरूर. ट्राई करूंगी फ्यूचर में कभी. नहीं बहुत मतलब सीरियसली तो आपने आपका जो मतलब ये पूरा रवैया है, ये जिंदगी को देखने का जो एक अलग आपका ये जो एक्सपीरियंस है, आपने जो जो कुछ भी सीखा है, मेरे ख्याल से आप काफी कुछ दे सकती हैं. आपको जिंदगी ने मतलब बहुत कुछ लिया है आपसे, लेकिन आपने इतना कुछ सीखा है कि आप जरूर बहुत कुछ दे सकती है दूसरों को. आपने वो क्षमता है, आपने वो हिम्मत है. तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप हमारे एक लिसनर जो अभी सुन रही है वो बता रही है, वाव सरिता डिजाइनर यू आर माय हीरो, इट इज सच एन ऑनर लिसनिंग टू यू, यू हैव अ लवली वॉइस, हैव यू कंसीडर्ड रियली? आपने आपने सिंगिंग करने की कभी सोची है? मैं बाथरूम सिंगर आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक मेरी वॉइस उतनी अच्छी है जी. ये मैंने बता रहा हूँ, एक हमारी ऑनलाइन लिसनर है, वो हमने हमको चैट मैसेज भेजा है, वो कह रही है okay. वो आप really? आवाज सुन रही है रेडियो पे और वो कह रही है कि यू आर माई हीरो एंड इट्स एन ऑनर लिसनिंग टू यू एंड यू हैव अ लवली वॉइस सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सिंगिंग. ओके ट्राई करूंगी. देखिए आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कुछ और कर सकती हैं. तो थैंक्स टू आर एनआरआई समय शो अब आपको पता चल गया है कि आप आपको पढ़ाना भी चाहिए, आपको गाना गाना भी चाहिए और आपको ट्रैवलिंग भी करना चाहिए. हाँ ट्रैवल तो मैं बहुत करती हूँ. मतलब अब्रॉड भी आना चाहिए आपको. ओके ट्राई करूंगी. तो हमारे जो श्रीहरी जो हमारे एक लिसनर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि आप इतना एनर्जेटिक हो, इतना जॉयफुल हो, टैलेंटेड हो, जिंदगी आई थिंक आप जीती है, मतलब भरपूर जीती है आप.
क्या मैं सही हूँ या गलत? हाँ नॉर्मली सभी तो ऐसे जीते हैं वैसे. जी जीते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन छोटी कभी कभी छोटी छोटी जो ये मुश्किल हालात हो जाते हैं या फिर छोटी छोटी ये जो लाइफ में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे हम इतना कुछ यू नो परेशान हो जाते हैं उनसे कि हम उसके बाहर कुछ देख नहीं पाते. और हाँ ये तो होता है, मतलब मैं आपसे सहमत हूँ, ऐसा होता है. बट होता क्या है कि आप जितना प्रॉब्लम को पकड़ के रखेंगे उतनी वो बढ़ती है. थोड़ी देर के लिए अगर उसको भूल जाएंगे तो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती है. जी. तो प्रॉब्लम पकड़ने की चीज नहीं होती, उसका सॉल्यूशन निकालने की चीज होती है. जी जी. एक और फिलॉसफी मैं गिन रहा हूँ, गिनती रख रहा हूँ, ये नंबर फेल है. अच्छा. और हमारे स्टूडियो मैनेजर जो श्रीकांत है वो पूछ रहे हैं कि आप एनआरआई समय के लिए लोगो बना पाएंगे क्या? एनआरआई हमारा जो एनआरआई समय ऑनलाइन रेडियो है उसके लिए आप लोगो बनाएंगे क्या? लोगो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बना दूंगी. नहीं हमको कल तक चाहिए. हमको कल तक तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज मेरा रेगुलर एग्जाम चल रहा है. नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ. ओके. और सरिता जी सही में मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला आपसे इन चंद लम्हों में. और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सारे लिसनर्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है इस आधे घंटे के जो हमारी इंटरव्यू थी आज. क्योंकि आप सिर्फ एक पेंटर नहीं हो, सिर्फ एक यू नो जो एक फिजिकली चैलेंज्ड इंसान नहीं हो. आपका जो ये नजरिया है लाइफ को देखने की आई थिंक वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है. हाँ ये तो है. सबसे बड़ी टैलेंट है मेरे ख्याल से. पेंटिंग से भी ज्यादा आपका ये जो लाइफ से लड़ने की और लाइफ से सॉल्यूशंस निकालने की और आपने जितने भी ये फिलॉसफी झाड़े हैं इस आधे घंटे में आई थिंक वो आपका सबसे बड़ा ताकत है. और इन ये सही में बहुत कुछ मतलब सीखने के लिए आपका लाइफ एक खुली किताब है जो सब लोग पढ़ सकते हैं और सब लोग सीख सकते हैं उससे. हाँ ये तो है. तो इस आधे घंटे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एनआरआई समय की तरफ से और हमारे सारे एनआरआई समय लिसनर्स की तरफ से. You're welcome. Thank you very very much for being on the show tonight. Thank you. And we wish you all the best for your exams. Thank you. And we eagerly are waiting for your exhibition, painting exhibition. Yeah, sure. जी जब आप painting exhibition का date तय हो जाएगा तब हमको आप air ticket भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे. जी बिल्कुल. All right, Sarita ji. Thank you very much. Have a good night. Good night. Bye. Bye. Mm-hmm. So listeners, that was Sarita Dwivedi for you, coming live from Allahabad. And we request you to visit her Facebook profile, saritadwivedi.painting. And you can see the amazing work she has done. I don't know how many years it took for her to collate all these pictures, but you have about 2,000 odd pictures or paintings of hers. So you can go online, facebook.com/saritadwivedi.painting. And, you know, for any future shows or for any future, if you have any people in mind that you think you should, we should bring those shows to you, please, you know, write an email to us at nrisamay@gmail.com or visit our Facebook page at facebook.com/nrisamay. And please post your comments. Please keep sending your suggestions and
keep tuning in to NRSMA week after week, every Sunday and every Saturday. We have also introduced weekly shows on Saturdays. And next Saturday, we have a very interesting show coming up. It's a team of young engineers who are discussing about the water problems and its solutions in Hyderabad. So if you want to be part of those discussions, please tune in next Saturday at the same time. And also please subscribe to our mailing list at nrsma.com. Thank you. This is Suresh, your host, signing off. Thank you. Thank you, Suresh, and thank you, Sarita ji, and thanks for all our listeners. It's been an honor for us to bring Sarita ji to our show. We will constantly keep updating you on whether Sarita ji will have an exhibition or any other updates from her on NRI Samay. So please like us on facebook.com/NRISAMAY. Then you will see updates from not only from Sarita, but we're also doing a lot of shows with the people that are making a difference at the grassroots levels. So folks, thank you all, and we are signing off for this week. Please come back every Saturday and Sunday, 9:30 p.m. Indian Standard Time, or 12 p.m. Eastern Standard Time, and 9 a.m. Sorry, that's Pacific Time. Thank you all.